अचलपुर शहर में जुड़वा शहर के बेरार सूबे से कपास को ब्रिटेन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ब्रिटानिया हुकूमत ने शुरू की अचलपुर मूर्तिजापुर शकुंतला एक्सप्रेस वर्ष 2019 में बगैर किसी ठोस कारण के बंद कर दी गई थी। इसे जिस हालत में है उसी में पुनः शुरू करने के लिए शकुंतला रेल बचाव का गठन भी किया जा चुका है। स्थानीय आदिवासी पर्यावरण सामाजिक संगठन परतवाड़ा के योगेश खानसोड़े, गजानन कोल्हे, राजा धर्माधिकारी राजेश अग्रवाल, दिया ताइडे, कमल केजरीवाल, संतोष नरेडी, राजकुमार बर्डिया, संजय डोंगरे, रामदास मनसे, वसंत धोबे, शारदा उइके, सुरेश प्रजापति, पैरेलाल प्रजापति, राजेंद्र मुंदे, मुरलीधर ठाकरे, संतोष भालेराव आदि के साथ उनके असंख्य कार्यकर्तागण शकुंतला को पुनः जैसी की तैसे शुरू करने के लिए अब तक 22 शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन विभिन्न चरणों में कर चुके हैं। इससे पूर्व इन्हीं दोनों संस्थाओं के पदाधिकारियों ने वर्ष 2017 में शकुंतला रेल में मूर्तिजापुर तक सफरमय कवि सम्मेलन का अनोखा आंदोलन कर इसके ब्रॉडगेज की मांग बुलंद की थी। नैरोगेज पटरियों में 30-40 किमी प्रति घंटा की गति से रेंगती इस गाड़ी में तत्कालीन सांसद आनंद अड़सूल ने सफर कर कवि सम्मेलन का आनंद भी उठाया था। तब सांसद अड़सूल ने आश्वासन दिया था कि 2019 का चुनाव होने के बाद वो हर साल में शकुंतला को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करके रहेंगे। दुर्भाग्य से अड़सूल चुनाव में पराजित हुए। नवनीत राणा सांसद बनी और शकुंतला स्थायी रूप से बंद कर दी गई। कुछ इससे भी ज्यादा अन्याय तो मेलघाट के आदिवासियों पर किया गया। हैदराबाद से आकोट, हिवरखेड़, धुलघाट होकर जयपुर जाते रेल मार्ग को अमान परिवर्तन ब्रॉडगेज की स्वीकृति देकर इसका मेलघाट के धुलघाट से जाते रूट को ही बदल दिया गया। आदिवासियों के जीवन दायिनी मानी जाती उस रेल सेवा को धुलघाट के बजाय अब जलगांव जामुत से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश के आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में सीएम उद्धव ठाकरे की अनुशंसा पर परतवाड़ा और मेलघाट के लोगों से राजस्थान आंध्र जाने की यह सुविधा भी छीन ली गई थी। स्थानीय रेल बचाव कार्यकर्ताओं ने हर प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार पर शांतिपूर्व एवं सादगीपूर्ण ढंग से आंदोलन कर केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष विस्तार पूर्वक जानकारी देती याचिका दायर की गई। याचिका पर राष्ट्रपति सचिवालय ने तत्काल ध्यान देते हुए रेलवे बोर्ड अध्यक्ष रेलवे मंत्रालय दिल्ली को याचिकाकर्ता को अब तक की गई संपूर्ण कार्रवाई का ब्यौरा सीधे देने के आदेश दिए हैं। इस आशय का 15 सितंबर को लिखा एक पत्र याचिकाकर्ता योगेश खानसोड़े को प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि अचलपुर से शुरू होकर यह रेल नौबाग, पथरोट, शिंदी, अंजनगांव, दरियापुर होकर अकोला जिले के मूर्तिजापुर को जोड़ती है। इसका किराया अत्यल्प होने से ये गाड़ी किसानों और श्रमिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। पूर्व सांसद अनंत गुड़े ने भी अपने कार्यकाल में लोकसभा द्वारा गठित रेल समिति के समक्ष शिवसेना पदाधिकारी ओम प्रकाश दीक्षित के माध्यम से इसके ब्रॉडगेज के लिए याचिका दायर करवाई थी। उन्हीं के कार्यकाल में अचलपुर के सुने पड़े रेलवे स्टेशन पर आरक्षण खिड़की भी खोली गई है। वर्तमान सांसद नवनीत राणा के कार्यकाल में अचलपुर और धुलघाट से रेल सेवा ही छीन ली गई। अभी कुछ दिन पहले सांसद राणा ने स्थानीय कृषि उत्पन्न बाजार समिति में आयोजित दही हंडी के दौरान चुनाव से पहले शकुंतला शुरू करने की गुमराह करती घोषणा सांसद राणा कर चुकी है। राष्ट्रपति के पास शकुंतला हेतु याचिका दायर कर चुके आदिवासी पर्यावरण सामाजिक संगठन ने सांसद राणा की उस घोषणा को सदी के सबसे बड़ा झूठ करार दिया है। पंकज साबू, विदर्भ न्यूज, परतवाड़ा।